उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक वहां पर पहुंचे, क्या कहना है उनका सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक रात में ही झांसी पहुंच गए और उनके परिजनों से बातचीत की। हमारे साथ बात करने के लिए ब्रिजेश पाठक जी खुद ही हैं। सर, एक बड़ी दुखद घटना, क्या अभी तक निकल के आया, कैसे ये घटना हो गई? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना है। प्रथम दृष्टया वहाँ पहुँचने पर बताया गया कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से घटना घटी है, क्योंकि पूरे वार्ड आईसीयू वार्ड में ऑक्सीजन पाइपलाइन थी, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के माध्यम से जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ, नर्स ने और वार्ड बॉय ने देखा, जब तक वो आग पर काबू पाते, आग ऑक्सीजन के सहारे पूरे वार्ड में फैल गई और ये दुखद घटना घटी। 10 बच्चों की आकस्मिक मृत्यु हुई है, शेष को बचा लिया गया है, कुल 54 बच्चे थे। घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं, भविष्य में ऐसी घटना न घटे, पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए भी कहा गया है। मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं और एक विभागीय जांच भी बिठाई है जो डीजीएमई की अध्यक्षता में होगी, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन, उसमें इलेक्ट्रिकल और फायर सेफ्टी और स्वास्थ्य विभाग के भी अधिकारी शामिल होंगे। हम तह तक जाना चाहेंगे कि घटना हुई क्यों। यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो लापरवाह अफसरों के खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, पुनरावृत्ति न हो इसको रोकेंगे। और जो अभी पीड़ित परिजन हैं उनके साथ पूरी सरकार खड़ी है। 5-5 लाख रुपए मृतकों को आर्थिक सहायता, 50,000 रुपए घायलों को, और उनकी पूरे इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। हर स्थिति में हम परिजनों के साथ खड़े हैं। संतोष शर्मा का आरोप करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। संतोष, आर्थिक मरहम लगाने की कोशिश तो है लेकिन जिंदगी के आगे कोई भी मरहम बहुत कम है, क्या इस वक्त मंजर है, परिजन क्या कह रहे हैं? देखिए मंजर बहुत यहाँ पे दर्दनाक है। हम एक परिवार के पास बैठे हैं, मेरे पीछे जो माँ लेटी है, इस माँ ने जन्म देने के बाद अपने बच्चे को देखा नहीं और अब बच्चा कहाँ है इसको पता भी नहीं। ये कि बच्चे की नानी है, उसके चाचा हैं, तमाम पूरे परिवार हैं, वो लोग अभी असमंजस में है कि बेटा है कहाँ, उसको तो देखा भी नहीं। कल क्या हुआ था, कब से आप लोग एडमिट किए थे यहाँ पर? 10 तारीख से। 10 तारीख से। हाँ। चेहरा देखा था बच्चे का? नहीं। 10 तारीख से देखा ही नहीं। 10 तारीख अच्छा। से नहीं देखा। कल क्या हुआ था, कैसे हुआ था? कल अचानक से आग दिखी, अचानक में सब लोग बैठे थे, 10:30 बजे का टाइम था, अचानक आग दिखी, इसलिए सब भाग दौड़ करने लगे। उधर से कोई जानकारी नहीं मिली, सब ने देखा आग लगी है, तो जितने भी परिजन थे वही दौड़े, और वो लोग स्टाफ वाले बाहर निकाल रहे थे, बाहर निकलवा, लेकिन जबरदस्ती परिजन अंदर गए। तो बच्चे वहाँ पे अंदर थे जिस समय पर, तो फायर अलार्म बजा कि नहीं बजा? नहीं बजा, कुछ भी नहीं बजा, कुछ नहीं बजा, नहीं। कोई जो मशीन आग बुझाने की काम कर रही है? कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ काम नहीं कर रहा यहाँ पे। हाँ। कुछ नहीं काम कर रहा, केवल यहाँ धुआं ही इतना हो रहा था, फिर फायर ब्रिगेड आई थी, उनने अपनी आग पानी चलाया, जब आग के ऊपर कंट्रोल किया गया, जब थोड़ा अंदर गए तब बच्चे निकाले गए, खिड़की तोड़ के बच्चे निकाले गए, कुछ पीछे वाली खिड़की से निकाले गए थे, कुछ आगे से निकाले गए थे। तो अब जो बच्चा था आपका भतीजा था, उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई कहाँ है? सर पूरी रात हो गई, अभी तक ना स्टाफ कोई जानकारी दे रहा है, उधर भी गए थे इमरजेंसी में, कुछ बच्चे भर्ती हैं, 5 नंबर वार्ड में भी हैं कुछ बच्चे भर्ती, उधर से अभी तक कोई नहीं। जो बच्चे मृतक हैं उनको दिखाया जा रहा है, इनमें से पहचान लो, जो बच्चे सही हैं उनमें से किसी को नहीं दिखाया जा रहा है। जो सही बच्चे उनमें देखा आपने? उन्हें ले ही नहीं गए, हमें मृतक बच्चों के पास ले गए थे बस। अच्छा। हाँ, और सर जो जल गए हैं मृतक हैं, अब उनकी चिट वगैरह सब जल गई, उनको कैसे पहचाने? अब बस यही है, डीएनए टेस्ट कराओ तो पता चले किसी का बच्चा। बहुत से ऐसे हैं, बहुत से भैया हैं जिनके बच्चे हैं, एक भैया है उस वार्ड में, क्या मतलब एक एक बेड पे 3-3 बच्चे ऐसे रखे थे? हाँ ऐसे ही रखे थे, एक पे 4 बच्चे, किसी पे 5 बच्चे, ऐसे रखे, एक बिस्तर पे, एक बेड पे। हाँ एक बेड पे। अच्छा। एक बेड पे किसी पे 4 बच्चे, किसी पे 5 बच्चे, ऐसे थे। अगर समय से फायर ब्रिगेड आ जाती, सब लोग काम करते तो बच जाते बच्चे? बच जाते, बच जाते। फायर ब्रिगेड आती भी नहीं, वो सिस्टर ही बता देती कि इधर कुछ समस्या हो रही,
तो सब लोग परिजन तो पास सामने ही थे, सब अपने अपने बच्चे लेके आ जाते, ये समस्या आती नहीं। भीषण आग लगी नहीं होगी पहले सुना है, पहले छोटी सी थोड़ी सी आग लगी थी तो परिजनों वगैरह जो अंदर थे, माँ कुछ दूध पिलाने गई थी अपने बच्चों को, उनने बुलाया होगा तो बताया यार, उनने बताई थी कि थोड़ी सी आग लगी थी तो, पर उनने मतलब उनका फायर ब्रिगेड वगैरह कुछ काम नहीं कर रहा था, सिलेंडर होता है वो कुछ काम नहीं कर रहा था ना कोई अलार्म, तो उनने पानी वगैरह डाला है तो उससे आग थोड़ी और फैल गई है। जब आग फैल गई है उसके बाद उन्होंने मतलब जो नर्स थी अंदर दो थी, उनमें से एक थी वो बच्चों को निकाल निकाल के फेंक रही थी, उन्होंने जिसके बच्चे जैसे हाथ लगे वैसे, और वहाँ परिजन बैठे थे वो भी अंदर घुस गए थे, फिर स्टाफ जाने नहीं दे रहा था, धक्का मुक्की करके अंदर गए थे, जब बच्चे निकाल के लाए, जो बच्चा जैसे मिला है वैसे लेके आए हैं। अब बच्चे को ढूंढने के लिए क्या कर रही है वो, तो आपका आप नानी है ना बच्चे की, ढूंढ रहे, कोशिश कर रहे, देख रहे पूरे में, जो जहाँ बता रहा है उधर जा रहे, जो जहाँ बता रहा है वही वहीं पे जा रहे, लेकिन कुछ जानकारी नहीं मिल रही। ये बेटी है आपकी? बेटी है। इसने चेहरा देखा, माँ ने देखा चेहरा? हाँ माँ ने देखा चेहरा। आपने देखा? मैंने नहीं देखा, नहीं जब से सात, उसने भी नहीं देखा, दस तारीख से भर्ती किया है तब से माँ ने भी नहीं देखा है चेहरा, वो जाने ही नहीं दे रहे, कोई अपडेट नहीं दे स्टाफ, पहली बात तो सर कोई अपडेट नहीं दिया, सात दिन से बच्चा भर्ती होता है, किसी का पेशेंट भर्ती होगा तो उसको थोड़ी बहुत अपडेट दी जाती है कि आपका बच्चा थोड़ा सही है या नहीं है, कुछ भी अपडेट दी, पर सात दिन से अभी तक कोई अपडेट नहीं दी हमें। समय पे अगर सारी चीजें हो रही होती, फायर ब्रिगेड जो फायर एक्सटिंग्विशर है तो हादसा, सर बहुत बच्चे बच जाते अगर समय पे काम हो जाता, अगर भारत जैसे आग लगी थी तो अगर इनका समय से सब सिस्टम काम कर रहा होता ना तो आज बहुत बच्चों की जान बची होती, क्योंकि जितने परिजन थे, स्टाफ नहीं था पर परिजन थे, वो अपने जब बच्चों को निकाल निकाल के सामने थे, वो लेके आते, क्या कह रही हैं, परिजन सामने थे दूर नहीं थे, अगर ये थोड़ा नर्स आके यही बता देती कि इधर थोड़ा लफड़ा कुछ, ठीक है संतोष, तो हो सकता बहुत बच्चे बच जाते। ये वेदना है बिल्कुल, उन्होंने बच्चे का चेहरा भी नहीं देखा, माँ बदहवास सी देखे पड़ी हुई है, बहुत दुखद है संतोष, बहुत दर्दनाक, बहुत ये तस्वीरें जो आप दिखा रहे हो वहां से जानकारी पहुंचा रहे, आप जुड़े रहिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे और इस दर्द और इस वेदना को वही समझ सकता है जिन्होंने अपनों को खोया है।